किसान भाइयों, गर्मी की जुताई एक फायदे अनेक। किसान खेत की जुताई का काम अक्सर बुआई के समय करते हैं। फसलों में लगने वाले कीट व्याधियों की रोकथाम की दृष्टि से बुआई के समय की गई जुताई से ज़्यादा गर्मी में गहरी जुताई करके खेत को खाली छोड़ दिए जाने से मिलता है। किसान भाइयों, अगर आप नए हैं तो हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। किसान भाइयों, गर्मी में गहरी जुताई करने से भूमि का तापमान बढ़ जाता है, जिससे कीटों के अंडे, शंकु और लटे खत्म हो जाते हैं। फसल की अच्छी उपज के लिए रबी की फसल कटाई के तुरंत बाद गहरी जुताई कर ग्रीष्म ऋतु में खेत को खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे हमें रोगों और कीटों का रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि कीटों के अंडे, प्यूपा और लार्वा खत्म हो जाते हैं, जिससे खरीफ के मौसम में धान, बाजरा, दलहन और सब्जियों में लगने वाले कीटों और रोगों का प्रकोप कम हो जाता है। अतः गर्मी की गहरी जुताई करने से कीड़े बीमारियों से एक सीमा तक छुटकारा पाया जा सकता है। गर्मी की जुताई के लाभ। किसान भाइयों, गर्मी की जुताई से सूर्य की तेज किरणें भूमि के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जिससे भूमि के अंदर छिपे हुए कीटों के अंडे, शंकु, लटे व वयस्क नष्ट हो जाते हैं। फसलों में लगने वाले उकठा, जड़ गलन आदि रोगों के रोगाणु एवं सब्जियों की जड़ों में गांठ बनाने वाले नेमेटोड नष्ट हो जाते हैं। खेत की मिट्टी में ढेले बन जाने से वर्षा जल सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे खेतों में ज़्यादा समय तक नमी बनी रहती है। गहरी जुताई से धूप, घास, खांस, मोथा, वायासुरी आदि जटिल खरपतवारों से भी मुक्ति पाया जा सकता है। गर्मी की जुताई से गोबर की खाद व खेत में उपलब्ध अन्य कार्बनिक पदार्थ भूमि में भलीभांति मिल जाते हैं। भूमि में कटाव भी कम हो जाता है गर्मी की गहरी जुताई करने से। गर्मी की जुताई कब करें? गर्मी की जुताई यथासंभव रबी की फसल करते ही आरंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय भूमि में थोड़ी नमी रहती है, जिससे जुताई आसानी से हो जाती हैं। गर्मी की जुताई कैसे करें? गर्मी की जुताई 15 सेंटीमीटर गहराई तक किसी भी मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। यदि खेत को ढलान पूर्व से पश्चिम की तरफ हो तो जुताई उत्तर से दक्षिण की ओर करनी चाहिए, और यदि ढलान करते हुए करनी चाहिए, जिससे वर्षा का पानी मिट्टी न बहे और हमारा खेत में मिट्टी बनी रहे। गर्मी की जुताई करते समय रखी जाने वाली सावधानी। मिट्टी के बड़े ढेले रहे तथा मिट्टी भुरभुरी न हो, क्योंकि गर्मी की जुताई करते समय हमेशा मिट्टी के बड़े ढेले रहने चाहिए, मिट्टी को भुरभुरी नहीं करनी चाहिए। इससे जैसे ही पहली वर्षा होगी तो हमारे ढेलों में पानी की अवशोषण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे हमारे खेत में अधिक मात्रा में पानी शोषित रहेगा। अधिक जानकारी के लिए साथियों, निकटतम कृषि कार्यालय या किसानों कॉल सेंटर के निःशुल्क टोल नंबर 1885 पर बात कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।